हे गाइस, दिस इज मी योर बॉस सदैव, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, जी नहीं थोड़े छोटे दुश्मन के बारे में, शुगर। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ शुगर के बारे में और हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या शुगर से जो मेजर हेल्थ इश्यूज है, डायबिटीज़ है, फैट है, वो सब कुछ शुगर उसके लिए जिम्मेदार है या फिर शुगर जिम्मेदार नहीं है। तो जैसा कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, इंटरनेट पे पढ़ेंगे, कुछ भी आर्टिकल आप देख रहे हो, मैगजीन्स देख रहे हो, तो हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल शुगर के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ शुगर। कोई प्रॉब्लम है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ शुगर। आप फैट लॉस करना चाहते हो, शुगर छोड़ दो, एवरीथिंग इज़ फाइन। इवन आई गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम माई क्लाइंट्स और मे बी दोज हु वांट टू गेट इनटू ट्रेनिंग कि सर मैंने शुगर छोड़ दिया है बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मैं 3 महीने से शुगर नहीं खा रही हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? आई शुड बी फिट बट आई एम नॉट एबल टू लूज फैट। सो लेट्स डिस्कस कि क्या शुगर सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ये देखने वाले हैं, ओबेसिटी फैलती जा रही है बहुत ज़्यादा और क्या उसके लिए शुगर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें ओबेसिटी की, तो जी नहीं, शुगर ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम लोग ओबेसिटी की बात करें तो कोई भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ओबेसिटी के लिए, इंक्लूडिंग शुगर। और ओबेसिटी तभी फैलेगी जब आप कंसिस्टेंटली एनर्जी सरप्लस में रहोगे, यानी कि आप ज़रूरत से जब ज़्यादा खाओगे तभी आप ओबेसिटी या ओबीस कैटेगरी में जाओगे। अब हम लोग एक रिसर्च वर्क देखेंगे, तो अगर आप इस डेटा को देखिए तो इसमें दिखाया जा रहा है 1980 से लेके 2013 के बीच में कि US का अगर शुगर इनटेक काफ़ी कम हुआ है लास्ट फ्यू ईयर्स में, बट देन ओबेसिटी का रेट बढ़ते ही जा रहा है। दैट क्लियरली मीन्स कि शुगर इज नॉट द ओनली फैक्टर या शुगर इज नॉट द component to add obesity or maybe that leads to obesity. अब हम लोग सेकेंड जो देखने वाले हैं टॉपिक, वो है कि क्या शुगर डायरेक्टली फैट की तरह स्टोर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में होता है कि अरे शुगर खा लिया तो सब फैट बन जाएगा, तो क्या ये सच है? तो जी नहीं, इसका भी आंसर नहीं है। शुगर डायरेक्टली बॉडी में फैट सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है। फैट आपके बॉडी में तभी बनेगा जब आप अपने एक्टिविटी लेवल से ज़्यादा खाओगे, यानी कि आप अपने TDEE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से अगर आप ज़्यादा खाओगे, आप कैलोरिक सरप्लस में रहोगे तभी आप फैट गेन करोगे, एंड दैट इंक्लूड्स कि आप शुगर खाओ या ना खाओ। लेट्स लुक एट अ रिसर्च वर्क। अगर आप रिसर्च वर्क देखें तो इसमें दिखाया गया है कि दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को 4% शुगर डाला गया है और एक ग्रुप में 43% शुगर इनटेक है, बट दोनों केस में रिजल्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों केस के बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं है। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट कि इफ़ आप शुगर ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, वो आपके फैट लॉस या फिर आपका फैट गेन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल आपका एनर्जी इनटेक सेम हो। एनर्जी इनटेक इज द मेन फैक्टर, रिमेंबर गाइस। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं कि क्या डायबिटीज के लिए भी सिर्फ शुगर रिस्पॉन्सिबल है। तो सेम लाइक एवरी अदर आंसर, इसका भी आंसर नहीं है। डायबिटीज के लिए शुगर एक कॉम्पोनेंट जरूर है बट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डायबिटीज अगेन एक लाइफस्टाइल डिजीज है, एंड अगर आपको चेक में रखना है तो आपका बॉडी वेट मैनेजमेंट और बॉडी फैट मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट रैदर देन जस्ट द इनटेक ऑफ शुगर। तो कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, इट्स बिकॉज कि आपका फूड इनटेक का हैबिट या न्यूट्रिशन हैबिट्स खराब है, ट्रेनिंग हैबिट्स खराब है, दैट्स वाई वो डिजीज आपको हो रही है, ना कि आप सिर्फ एक कॉम्पोनेंट पे उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि इट्स बिकॉज ऑफ शुगर। अब हम लोग देखें हाइपोथेटिकली, तो जी हाँ शुगर आप खा सकते हो, शुगर खाने से आपके वेट लॉस या वेट गेन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कंसिडरिंग आपका एनर्जी इनटेक सिमिलर हो दोनों केस में। बट क्या हेल्दी डाइट है या क्या हेल्दी है शुगर? तो अगेन नहीं, शुगर कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं है, बट देन ब्लेमिंग शुगर फॉर एवरीथिंग इज नॉट राइट एज वेल। शुगर ऑब्वियसली एम्प्टी कैलोरीज है। आप अगर बात करो हेल्थ बेनिफिट्स के, तो शुगर के कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स हैं नहीं, और शुगर बहुत ज़्यादा इंटेक करना भी बहुत सेंसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि आप कैलोरिक इंटेक अपना बढ़ा रहे हो और उससे आपका जो डाइट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से कि मुझे कार्ब इंटेक करना है, मैंने अपना कार्ब इंटेक अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से पूरा किया, 100 ग्राम्स खाया, एंड 100 ग्राम्स में बिस्किट और मे बी विथ
समथिंग लाइक यू नो शुगरी प्रोडक्ट केक से खा रहा हूँ, दोनों का बॉडी कॉम्पोजिशन पे रिजल्ट सिमिलर आएगा, बट देन मेरी डाइट की जो क्वालिटी है वो खराब आ रही हो, जो मेरा माइक्रो न्यूट्रिशन का वैल्यू मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता वो मुझे केक और बिस्किट से नहीं मिल पाएगा। तो दैट मीन्स कि शुगर से आपका ओवरऑल रिजल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर में चेंज नहीं आएगा, बट आपकी डाइट की क्वालिटी में चेंज आएगा, और अगर आप लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स देख रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं अपना टेक दूँ शुगर पे, तो शुगर अगेन एडिक्टिव है, एलिमिनेट करना मुश्किल होता है, खासकर अगर आप ओवर ईट कर रहे हो तो। बट शुगर को डायरेक्टली ब्लेम करना हर चीज़ के लिए वो भी गलत है। अगर मैं अपना आपको पर्सनल एडवाइस दूँ तो शुगर इनटेक करना अच्छा है नहीं है, दोनों रीज़न है इसके। पहला अगर रीज़न है, अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा सा यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये आपको डाइट में स्टिक करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा आप डाइट से ऑफ ट्रैक कब होते हो? जब आप मेंटली वीक हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको डाइट में कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं दिया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप वो आइटम खाने के लिए आप थोड़े से आप पागल हो गए, और वो आइटम आप खा लोगे, चांसेस है कि आपका विद इन अ वीक आप ब्रेकडाउन होगा और आप खा लोगे उसको। तो क्यों ना हम लोग उस आइटम को या फिर उस फूड प्रोडक्ट को बहुत थोड़े क्वांटिटी में करके आपके डाइट में ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि डाइट का आपका एडहेरेंस बना रहेगा। और पर्सनली मैं जो भी क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ या जो भी रिकमेंड करता हूँ, आई टोटली बिलीव इन सस्टेनेबल अप्रोच। अगर बात करो कि कोई एक्स वाई जी डाइट है, फॉर एग्जांपल कीटो डाइट है, या फिर कोई ऐसी डाइट जो फॉलो नहीं कर सकते हो बहुत दिन तक, तो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप रिसर्च वर्क भी यही देखोगे कि डाइट और रिजल्ट्स दोनों तभी बेटर होते हैं जब आप डाइट सस्टेनेबली काफ़ी दिन तक फॉलो कर पाते हो, जिस पे आप ज़्यादा दिन तक स्टिक कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 200 ग्राम्स कार्ब इंटेक है आपके डाइट में, उसमें से 150 ग्राम्स मैंने क्वालिटी फूड से लिया, राइस फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इससे मैंने 150 किया, और 50 या जो भी लेफ्ट ओवर रहेगा 40-50 ग्राम्स ऑफ कार्ब मैं अपने पसंद की चीज़ों से लूँगा। फॉर एग्जांपल लाइक बिस्किट या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ केक्स में भी, तो इस तरीके की चीज़ों से मैं अपना कार्ब इंटेक पूरा करूँगा। नाउ व्हाट दिस डज इज़ कि मेरी क्रेविंग जो है बहुत ज़्यादा वो ख़त्म हो जाती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहा हूँ, वो मेरा क्रेविंग ख़त्म हो जाता है। तो इसके दो ऑप्शंस ही है, मैं आपको यही बोलूँगा, सस्टेनेबली थोड़े पोर्शन में आप अपनी पसंदीदा कार्ब ऑप्शन रख सकते हो। आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर रहे हो, अगर मैं 200 ग्राम पे 200 ग्राम ही कार्ब इंटेक शुगर फूड से रखूँगा, तो अगेन माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू मेरे डाइट की ख़राब होगी। सेकेंडली, हो सकता है, चांसेस है कि मेरी क्रेविंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाए बहुत ज़्यादा खा के कि मैं ओवर ईट कर लूँ चीज़ें, क्योंकि इट मेक्स योर माइंड वीक एज वेल। तो दोनों एक्सट्रीम जगह जाना, दोनों इज रॉन्ग। आई थिंक सस्टेनेबल अप्रोच आप फॉलो करो इज द बेस्ट वे टू स्टिक टू द डाइट एंड टू गेट प्रॉपर रिजल्ट्स। तो अगेन गाइज, मैं आपको अल्टीमेटली यही बोलूंगा, कंक्लूजन यही है वीडियो का, कि शुगर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कोई भी प्रॉब्लम के लिए। इफ यू आर यूजिंग इट प्रॉपरली, इफ यू आर इनटेकिंग शुगर एज पर योर मैक्रोज एंड आपका कैलोरिक इनटेक ध्यान में रख के खा रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डाइट हमेशा वही चूज करो जो कि आपके लिए बैलेंस्ड हो, रियलिस्टिक हो, सस्टेनेबल हो, और जो आपके लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकली फिट हो पाए। आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप कीटो डाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा यू नो वेवर्ड IAF IM फिट इन मैक्रोज वाली डाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप सारे कुछ ही अपने शुगर इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के डाइट कर रहे हो। तो आई होप गाइज द वीडियो इज क्लियर। कोई भी डाउट हो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गाइज, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे एस्थेटिक।